इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिल चुकी है, उनकी सजा को माफ़ कर दिया गया है, अब उनका स्टेटमेंट, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आ रहा है कि सच की जीत हुई है। मुझे लगता है कि महादेव की कृपा सब पे बनी रहनी चाहिए और राहुल गांधी जी पे भी भगवान की कृपा बने और जनता ने उनको जिस काम के लिए चुना है वो करें, वो सदन में आए, वो बैठें, चर्चा करें। इतने महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं, उस बिल पे अपनी राय रखें, अपनी प्रतिक्रिया रखें, क्योंकि जनता ने उन्हें न्यायालय का चक्कर काटने के लिए नहीं चुना है। जनता ने उन्हें चुना है कि आप सदन में बैठिए और सदन की जो कार्यवाही हो रही है उसमें भाग लीजिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और जब वहाँ आएँ तो वो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग लें। होता है, आदमी से गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है, वो भी एक इंसान है। अगर उनसे कोई गलती हो ही गई तो उस गलती की माफ़ी मांग लेने से वो छोटे नहीं हो जाएंगे। किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के विचार बारे में अगर मुँह से उनके कुछ निकल गया तो वो छोटी सी बात कह दें कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं होगी। इतना राउंड राउंड घूमने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आईजी साहब, सर ज्ञानवापी को लेकर अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि क्या कुछ वहाँ पर है। अब ASI का सर्वे हो रहा है, वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उसका विरोध कर रहे थे। मुझे लगता है कि कोई भी जाँच होती है वो सच जानने के लिए जाँच होती है। तो अगर किसी चीज़ पर आरोप है और उसकी जाँच हो रही है तो होनी चाहिए और जो सच है वो बाहर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। आगामी चुनाव की बात करें तो अब आजमगढ़ में शिवपाल यादव का नाम आ रहा है, किस तरीके से नैया पार लगे, किस तरीके से जीतना है कि देखिए, शिवपाल जी आए और चाहे अखिलेश यादव जी आए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ना आए, वहाँ जीतें और जीतने के बाद काम करें। क्योंकि जब जनता ने उनको पिछली बार चुना था तो 4 साल में उन्होंने एक बैठक नहीं किया और चले गए। फिर जनता ने देखा कि ठीक है, एक मौका हमको दिया तो आज मैं तीसरी बैठक करने जा रहा हूँ। तो जनता चुनती है आपको सेवा करने के लिए, तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ना आए, आजमगढ़ आइए, स्वागत है, पर काम करने के लिए आइए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव, जिनका साफ तौर पर कहना था कि शिवपाल यादव या अखिलेश यादव कोई भी आजमगढ़ आए लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ना आए, वहाँ पर काम करने के लिए आए। ब्रजेश कुमार, वाराणसी आज तक।